पूरी दुनिया अभी खतरनाक कोरोना महामारी से उभर ही रही थी कि इसी बीच दुनिया पर एक और महामारी का खतरा है और वो है डिजीज एक्स, जिसका ना कोई रूप है और ना कोई पहचान। बावजूद इसके ये आने वाले समय में दुनिया में हाहाकार मचा सकती है और ये चेतावनी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की। आइए जानते हैं विस्तार से इस खतरनाक महामारी डिजीज एक्स के बारे में और इसे लेकर WHO ने क्या कहा है। दरअसल WHO ने दुनिया भर के लोगों को सचेत करते हुए कहा है कि जल्द ही दुनिया के सामने डिजीज एक्स के रूप में एक और महामारी आ सकती है। ये महामारी कोरोना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। WHO के चीफ डॉक्टर ट्रेडोस अदनोम घेब्रियसस ने हाल ही में जिनेवा में हुई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में चेतावनी देते हुए कहा कि एक और महामारी कभी भी आ सकती है, जिससे भयंकर बीमारी फैल सकती है और भारी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। हमें इसका सामना करने के लिए सामूहिक रूप से तैयार रहना चाहिए। बेशक दुनिया भर में कोविड का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन अभी भी एक अन्य प्रकार की महामारी की संभावना बनी हुई है। इससे मरीजों और मौतों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा होगा। WHO ने एक ऐसी सूची तैयार की है जिसमें उन संक्रामक रोगों की पहचान की गई है जो भविष्य में महामारी का रूप ले सकते हैं। इसमें इबोला वायरस, मारबर्ग, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, COVID-19, जीका के अलावा डिजीज एक्स का जिक्र है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये डिजीज एक्स। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डिजीज एक्स किसी बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल उन बीमारी या इन्फेक्शन के लिए किया जाता है जिनके मौजूदा हालतों के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं होती। डिजीज एक्स वायरस, बैक्टीरिया या फंगस किसी भी रूप में लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं होता कि किस रूप में कौन सी बीमारी महामारी के तौर पर फैलेगी, यानी कोई भी बीमारी जो भविष्य में महामारी बनकर डिजीज एक्स की जगह ले सकती है। आपको बता दें कि साल 2018 में WHO ने डिजीज एक्स शब्द का इस्तेमाल किया था और इसके ठीक एक साल बाद ही कोरोना महामारी लोगों के सामने आ गई। ऐसा माना जा रहा है कि डिजीज एक्स कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगस हो सकता है और चिंता की बात यह है कि यह जो भी हो इसके लिए कोई टीका या उपचार नहीं होगा। जाहिर है कोरोना वायरस के मामले में भी ऐसा ही था, जिसके कारण दुनिया भर में तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब अगर बात करें कि ये महामारी कैसे फैलेगी, तो इसे लेकर कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगला डिजीज एक्स जूनोटिक होगा, जिसका अर्थ है कि यह जंगली या घरेलू जानवरों में पैदा होगा और फिर इंसानों को संक्रमित करेगा। इबोला, HIV, एड्स और COVID-19 जूनोटिक प्रकोप थे। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगली महामारी किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से भी फैल सकती है। ये भी माना जा रहा है कि डिजीज एक्स किसी लैब या बायोलॉजिकल अटैक की वजह से भी पैदा हो सकती है। अब सवाल उठता है कि डिजीज एक्स से कैसे बचा जाए। तो आपको बताते चले कि डिजीज एक्स के प्रकोप को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट सभी संभावित उपाय, शोध और निगरानी कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि COVID-19 महामारी दुनिया पर कहर बरपाने वाली पहली या आखिरी बीमारी नहीं है। दुनिया को अगले प्रकोप की तैयारी करने की जरूरत है। WHO की इस चेतावनी को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।